हाय राम, ये ग्रैनी के घर झाड़ू लगा लगा के कमर में ही दर्द हो गया है। और ग्रैनी के घर की सफाई कर करके देख अपन दोनों की हालत क्या हो गई है। हाँ यार, बात तो तेरी सही है, मेरी भी सफाई कर करके कंधे में बहुत दर्द हो गया है, लेकिन क्या करें, आके फंस गए। तेरे साथ तो फिर भी ठीक है, तुझसे दीवारें साफ कराए, मुझसे तो उस भुड़ाऊ ने अपना बाथरूम साफ कराया। और बाथरूम की छी छी कितनी खतरनाक बदबू, पता नहीं कितना हफ्ता है वो। हाँ तू सही कह रहा है, ग्रहण पाने तो हंगने में PhD कर रखी है, मैं भी अभी बाथरूम गया था, तुझे पता है बेहोश होते होते बचाऊ। भाई कल ग्रैनी ने मुझसे बर्तन मंजवाया और गलती से मेरे हाथ से एक प्लेट छूटकर टूट गई, और ग्रैनी लेके जो बेड मेरे को मारा है सर पे, अभी तक दर्द हो रहा है। हाँ यार, ग्रैनी तो ग्रैंडपा से भी ज्यादा चंटे है। अरे कौन चंटो रखे हमारे घर में। ग्रैनी तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे यार, वो जो तुम्हारा मगरू है ना, उसको जब भी खाना देने जाओ ना यार, वो हमारे पीछे हमें काटने को दौड़ता है यार। अरे खबरदार, जो मेरे मगरू के बारे में कुछ बोला है तो मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। अरे ग्रैनी, नहीं नहीं ये तुम्हारे मंगरू की बात नहीं कर रहा है, हमारे गांव में एक मंगरू चोर रहता है, उसके बारे में बोल रहा है, वो चंटे। अरे ये सब फालतू की बातें छोड़ो, तो मैंने ना अपने पुराने वाले घर पे डांस पार्टी रखी है, तुम दोनों चलो और इस घर की सफाई कर दो, और हाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। अरे क्या कहा ग्रैनी, पार्टी मतलब खाना पीना और सब कुछ, मतलब फुल ऑन एंजॉय। अरे सुना तूने? अरे हाँ यार, वैसे भी सुबह से बहुत भूख लगी है, चल फाइनली खाना तो मिलेगा। अरे हाँ, वहाँ पार्टी में खाना पीना सब कुछ होगा, अब तुम लोग जल्दी से चलो मेरे साथ। और हाँ, ग्रैंडपा ने वहाँ का बाथरूम भी खराब कर रखा है, उसको भी साफ कर देना। अरे क्या कहा, बुड्ढे ने वहाँ पर भी कबूट खराब कर रखा है, अब मुझसे नहीं होगी अकेले सफाई। भाई इस बार तू भी मेरी हेल्प करेगा कबूट साफ करने में। अरे सफाई तो बहुत दूर की बात है, मैं उस गंदी बदबू में 2 मिनट भी टिक नहीं पाता। अरे बहुत बढ़िया लिए तुम दोनों, अब जल्दी से चलो। अरे वाह यार, बहुत समय से ग्रैनी के घर के अंदर बंद थे, कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर का नजारा देख के यार, देख कितना अच्छा व्यू है यार। अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है, बस ग्रैनी के घर में होता क्या था, सुबह उठो काम करो, ग्रैनी ग्रैंडपा की गालियां सुनो और वापस से सो जाओ, बस जिंदगी यही खत्म हो गई थी। हाँ यार, आज जाके राहत मिली, आज ग्रैनी की पार्टी में तेरा भाई इतना खाना खाएगा कि ग्रैनी का आधा राशन खत्म कर देगा। हाँ यार, मैं भी पार्टी में खूब एंजॉय करने वाला हूँ, और तुझे पता है पार्टी में तो स्लेंडरिना भी आ रही है। अरे भाई देख तो, ग्रैनी का कितना बड़ा घर है, और तुझे पता है ग्रैनी के ऐसे 3 घर हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन तुझे पता है ग्रैंडपा ने चैप्टर 2 वाला घर गिरवी रख दिया। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई जो ग्रैनी और ग्रैंडपा को वो वाला घर गिरवी रखना पड़ा। चैप्टर 2 वाला घर गिरवी रख के हमने, तभी तो चैप्टर 3 वाला घर खरीदा है। बस फालतू की बातें करवा लो तुम दोनों से, लगो काम पे, मुझे भी बहुत काम है, मुझे भी थोड़ा मेकअप शेकअप करवाने जाना है। अबे करना, पिछली बार मैंने किया था, इस बार मैं नहीं करने वाला। अबे मैं नहीं कर रहा, तुझे एक्सपीरियंस है, तूने एक बार किया है तो एक और बार कर दे यार, क्या जाएगा। हाँ एक्सपीरियंस मुझे, लेकिन चल आजा, मैं तुझे सिखा देता हूँ कैसे साफ करते हैं। यार भाई कर दे यार इस बार प्लीज यार, आखिरी बार, उसके बाद मैं कर दूंगा पक्का, प्रॉमिस। हाय राम, कितनी गंदी बदबू है, ग्रैंडपा भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और यहाँ पर बम धमाके फोड़ते हैं। यहाँ पे भी ग्रैंडपा ने बहुत विमल थूक रखी है, दाग मिटी नहीं रहे हैं। अग्राने, अरे क्या हो गया, किसकी मुर्गी चुरा ला है तुम, जो इतनी जोर जोर से गला फाड़ रहे हो। अरे अग्राने, वो मैंने DJ का इंतजाम करा दिया है। अरे तुमने DJ गरीब को बुलाया है ना, क्योंकि वो बहुत अच्छा DJ बजाता है और उसके DJ पे ठुमके मारने में भी बहुत मजा आता है। अरे वो DJ गरीब तो थोड़ा बिजी है। अरे ऐसा क्या काम आ गया उसका मुँह को, कल तक तो वो बिल्कुल फ्री था, 10 रुपए में आने के लिए भी तैयार था वो तो। अरे वो तो हमारे पड़ोसी फकीर के घर गया है और उसने उसको पूरे 11 रुपए दिए है। अच्छा, वही फकीर ना जो अपनी बिल्ली के मुंह से दूध चुरा चुरा के पीता है, उसने उसको 11 रुपए दिए। हाँ उसी ने उसको पूरे 11 रुपए दिए हैं, और उसने DJ गरीब को शगुन की चवन्नी भी दी है, वो भी एक्स्ट्रा। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब हमारे घर में DJ बजाने कौन आएगा, मैंने तो सारे गेस्ट को भी बुला लिया है। अरे ग्राने तो चिंता क्यों कर रही है, मैंने DJ भिखारी को बुला लिया है, वो भी बहुत अच्छा DJ बजाता है। क्या कहा, DJ भिखारी, ये भी भला कोई नाम है, जिसके नाम में ही भीख मांगना हो, ये भी भला कैसा DJ बजाता होगा। अरे तूने उसका गाना नहीं सुना जो भूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे चढ़ा था। अरे क्या कहा, भूट्यूब पे तो बड़े बड़े स्टार्स के गाने ट्रेंडिंग पे चढ़ते हैं, जरा मुझे भी तो बताओ ऐसा कौन सा गाना था जो भूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे चढ़ा। अरे ग्राने वही वाला, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे। अरे वाह क्या गाना था, तुमने DJ भिखारी को बुला के बहुत ही अच्छा काम किया। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा मेकअप शेकअप करके आती हूँ, और तुम भी थोड़ा तैयार होके आ जाओ। अरे रुको रुको ग्रानी, एक बात तो बताओ, तुमने पार्टी में इवलन को बुलाया है ना। अरे उस कलमुई को नहीं बुलाती तब भी वो आ जाती, लेकिन तुम्हें क्या करना इवलन से। अरे ग्रानी दो मिनट रुकना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कहती हूँ बड़ों को कम खाया कर, लेकिन मेरी सुनता ही कहाँ है।
आना हटो हटो जल्दी से। हाय राम, ये ग्रैंडपा फिर से आ गया कबूतर खराब करने। अभी तो मैंने साफ किया था, ये फिर से खराब करके चला जाएगा। अरे यार, ये ग्रैंडपा ने तो विमल भी खा रखी है, फिर से वॉश बेसिन साफ करना पड़ेगा। अरे वाह वाह, घर तो एकदम चमक रहा है, क्या सफाई करी है तुम दोनों ने। ग्रैनी देख, घर एकदम चमक रहा है ना, अब फटाफट से सरप्राइज बता दे। हाँ ग्रैनी, जल्दी से बता सरप्राइज क्या है। हाँ ये लो तुम्हारा सरप्राइज। अरे ये क्या है ग्रैनी? अरे ये कैसा सरप्राइज है? तुम दोनों का स्पेशल काम यही है, तुम दोनों को सबको ड्रिंक्स और खाना सर्व करना है। अरे यार ये काम फंसा दिया ग्रैनी ने, सरप्राइज बोल के हम दोनों को वेटर बना दिया। ये डीजे भिखारी, लेट्स बैग। अरे वो देख, वो खड़ी है इवलन, बड़ी दुखी दुखी सी लग रही है, तू जाके उसको ड्रिंक सर्व कर दे, तब तक मैं इस रिज ग्रैनी को जाके आइसक्रीम चखा लाता हूँ। हाँ कर आता हूँ सर्व मैं इस इवलन की बच्ची को ड्रिंक। अरे ये भी कोई बोला पार्टी है? पार्टी तो हमारे यहाँ होती है 5-star होटल्स में। अरे वैसे रिज ग्रैनी एक बात पूछूं? अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ वेटर्स बात नहीं पूछते। अरे यार एक बात पूछनी है यार, प्लीज पूछ लेने दो। हाँ चल पूछ ले। अरे मैं ये कह रहा था कि तुम इतनी रईस कैसे बनी, तुम्हारी रईस होने की स्टोरी क्या है? लेकिन मैं तुझे क्यों बताऊं? मेरे को एक बात समझ में नहीं, ये तुम्हारी बहन ग्रैनी तो ऐसे की ऐसी रह गई और तुम इतनी रईस बन गई, इसका राज क्या है मुझे ये जानना है बस। अरे वो क्या है ना, पहले मैं भी ग्रैनी की तरह बहुत गरीब हुआ करती थी और मेरी फिर 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, फिर मैं अमीर बन गई। अरे वारिज ग्रैनी, तुम्हारी स्टोरी तो काफी मजेदार है, काश मेरी भी यार तुम्हारी तरह लॉटरी लग जाए ताकि मैं इस ग्रैनी का घर छोड़ सकूं और तुम्हारी तरह आराम की जिंदगी जी पाऊं। राम मेरी फूटी किस्मत। अरे क्या हुआ विलन, रो क्यों रही हो, ये लो ड्रिंक्स पी लो और मस्त रहो। हाय राम क्या बताऊं, इस कलमुई को बुढ़ापे में पार्टियां सूझ रही है, वो देख कैसे टमक टमक के ग्रैंडपा के साथ डांस कर रही है। अरे विलन कब तक इस बुढ़ऊ के पीछे पड़ी रहोगी, कोई अच्छा सा भुट्टा सेट करके तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? अरे नहीं नहीं, बुढ़ऊ के अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। क्या कहा तुम्हें, ग्रैंडपा चाहिए? ये बात मैं ग्रैनी को बताऊं? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तो ये है ग्रैनी की पार्टी, अब सब लोग मिलकर डांस करेंगे। अरे चल चल चल, ये सब लोग डांस में बिजी है, तब तक चल के अपन थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। हाँ हाँ, अब तो सबको सर्व कर लिया, चल के अपन भी थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। अरे चल भाई, मैं तो पहले केले से चालू करूंगा। अरे ला भाई मुझे भी खिला केला। अरे ये केला तो बिल्कुल ग्रैनी की तरह ही सड़ा हुआ है। अरे डांस तो बहुत हो गया, अब कुछ खाने के लिए भी है कि नहीं, कि सिर्फ डांस करवा करवा के ही मारूंगी? अरे है ना, तुझे ऐसा खाना खिलाऊंगी जो तूने कभी जिंदगी में चखा भी नहीं होगा। अरे कलमुआ सारा खाना खा गया? अरे ग्रैनी वो तो हम खा गए, वैसे खाना बहुत टेस्टी था। क्या कहा? अरे ग्रैनी नहीं। अरे तुम लोग बिना वीडियो को लाइक करे कहाँ चले, तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना भी।